बीते दिनों उर्वशी रौतेला दुबई में हुए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड में पहुंची। इवेंट के दौरान उर्वशी पिंक ट्यूब बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई। इस ड्रेस की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ग्लैमरस फोटोशूट करवाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में जाह्नवी ऑफ शोल्डर शिमर गाउन में अलग अलग पोज देती हुई नजर आई। कांतारा ने पूरी दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। केले कर्नाटक में फिल्म ने 168 करोड़ का कलेक्शन कर केजीएफ 2 तक को पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में दोनों दुबई में फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट में शामिल हुए थे। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म शहजादा का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। 58 सेकंड के ड्रेस इस फर्स्ट लुक में कार्तिक आर्यन दमदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर और अपकमिंग सुपरस्टार कार्तिक आर्यन ने 22 नवंबर को धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। कार्तिक आर्यन ने व्हाइट थीम की बर्थडे पार्टी की थी जिसमें एक्टर पिंक शीट प्रिंटेड पैंट शर्ट में बेहद कूल अंदाज में नजर आए। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के नजदीक दृश्यम 2 टीवी एक्टर करण पटेल आज अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। करण पटेल ने एंटरटेनमेंट जगत में खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। आज करण का नाम टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे और अमीर सितारों की लिस्ट में शामिल है। डीसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार अपनी नन्ही परी की झलक फैंस को दी है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेटी माल्टी मैरी की तस्वीर अपलोड की। हालांकि तस्वीर में उनकी बेटी का आधा चेहरा ही नजर आ रहा है और आंखें ऊनी कैप से कवर की गई हैं। दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की बहन फरीदा पिछले 7 दिनों से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब उनकी तबीयत में पहले से थोड़ा सुधार है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो माता की चौकी के लिए जाते हुए नजर आ रही हैं।